दोस्तों निकल पड़े हैं गया से अमरकंटक के लिए, और अभी हम लोग नाइट में निकल चुके हैं। करीबन 500-600 किलोमीटर के लगभग यहाँ से अमरकंटक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सफ़र। पहुंच चुके हैं हम MP बिहार की बॉर्डर पर। अभी बॉर्डर क्रॉस करी है और उसके बाद हम लोग सुबह सुबह की चाय पी रहे हैं। यह अनिल ढाबा है पीछे, तो उसी पर हम चाय वगैरह फ्रेश वगैरह हो रहा है। जो नहाने वाला है वो नहा रहा है। उसके बाद फिर चाय वगैरह लेने के बाद हम निकलेंगे अमरकंटक के लिए। दोस्तों अभी काफ़ी लंबा सफ़र है, 550 ये गया से दूरी है अमरकंटक की। और अभी तो चलिए दोस्तों मैं भी चाय वगैरह ले लेता हूँ, सभी लोग चाय पी रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग ढाबे पे बैठे हैं सुबह सुबह की चाय पीने के लिए। और यहाँ कुछ साउंड वगैरह टीवी में चल रहा है मनोरंजन के लिए, इसमें कोई गाना ऐसा नहीं है। नहीं जाता है, सुबह सुबह की चाय है। तो फिर निकल चले हैं यहाँ से चाय वगैरह फ्रेश होने के बाद आगे की ओर। चलिए दोस्तों रास्ता काफ़ी बेकार है इस रूट का, काफ़ी गड्ढे वगैरह है, गाड़ी बहुत स्लो चल रही है इस समय, और आप देख सकते हो गड्ढे बहुत ही ज़्यादा हैं इस रोड पर। सुबह सुबह 6 बजे का सनसेट, मॉर्निंग टाइम, सूरज निकल रहा है इस समय हल्की हल्की धूप के साथ, काफ़ी अच्छा सुंदर मौसम। दोस्तों यहाँ से चालू होता है पहाड़ी का नज़ारा, और ये पहाड़ी वाले रूट से हम लोग जा रहे हैं अमरकंटक की ओर। काफ़ी गहरी खाई आप देख सकते हो, काफ़ी गहरी गाई है, और रोड पर भी खूब सारे मोड़ हैं। काफ़ी अच्छा सुंदर नज़ारा, रोमांटिक नज़ारे के साथ एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे हैं। सुंदर नज़ारा और पहाड़ी क्षेत्र का आप भी मज़ा लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों कमेंट्स में बताना कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा।
दोस्तों देख सकते हो ये बिल्कुल पहाड़ी के किनारे से रास्ता बना हुआ है, जैसे चारों धाम यात्रा में पहाड़ियों के किनारे होते हुए गाड़ियां जाती है, ऐसे ही यहां पर भी कुछ इस टाइप का नज़ारा है। और आगे कोहरा ही कोहरा है, देखिए कितनी सारी मात्रा में कोहरा है, कुछ बहुत कम दूर का दिख पा रहा है कोहरे के कारण। इस सुंदर नज़ारे का आनंद लेते हुए सफ़र कर रहे हैं हम लोग, आप भी आनंद लीजिए सुंदर नज़ारे का। अभी बचा है 9:45 और 9:45 बजे हम लोग पहुँचे हैं चौपाई पवाई, ये मध्य प्रदेश के अंदर ही आता है गांव जो अमरकंटक रोड पे है। और यहाँ सभी लोग रुके हैं, कोई नहा रहा है कोई, और अभी बस स्टॉप बना रहा है हलवाई वगैरह नाश्ता सभी के लिए, तो यहाँ पे सभी लोग रुके हुए हैं, बस खड़ी हुई है इधर। फिर जाएंगे हम सीधी से हम जाएंगे शहडोल, और शहडोल से फिर पहुंचेंगे अमरकंटक। और ये सुदेश भाई जो है रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं, अभी उठ के आ रहे हैं गाड़ी से। इधर ये पेड़ के नीचे जो यात्री बैठे हैं ये दिन भर सोते हैं और रात को खाना खाने का काम करते हैं। जो सत्यता है वही आती है। तो ये मसाला मिर्ची सारा निकलवाया है और यह नाश्ते की तैयारी हो रही है। और इधर हमारे उस्ताद बैठे हुए हैं, ये कुछ कुछ काट रहे हैं, कुछ हरी मिर्ची काट रहे हैं, धनिया वगैरह, और ये बेसन वगैरह लगा रहे हैं, पता नहीं क्या बनाएंगे, जो बनाएंगे। चाय की जगह में 2 प्लेट वो दे दे, वो लिख चलेगा। अरे वो खिल्ला निकल जाए दादा, पाँव में देखिए।
ये कह रहा था हाँ। जात का मुसलमान हमारी जात का काम कर रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं, निकालना मैं देख लो चंदीप पहले ना देखो ना वहाँ जाके दिल्ली का जिसका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और क्या और कुछ भी कर दो थोड़ा वो भाई हम धन्यवाद देते हैं जो आपने हमको कितना सम्मान और मान दिया है, हम आपकी जो है बहुत बहुत आभारी है। ताली बजा दो सर, गले में हाथ डालो, गले में हाथ डालो। यहाँ मशीन के द्वारा सरसों का तेल निकाला जा रहा है, ये देख सकते हो इसको घाना बोलते हैं देसी भाषा में, और पहले ये बेल वगैरह से घुमाया जाता है, आज इलेक्ट्रॉनिक मोटर से घूम रहा है, ये देखिए ऐसा निकल रहा है सरसों का तेल, ये निकल रहा है तेल और ये बन रही है सरसों की खली, और यहाँ पर डालते हैं सरसों जो दूसरे वार्ड में डालते हैं उसका जो गैस है जो सरसों तेल निकलता है। वो ले लो और ये बनवाया गरम गरम और अब कर रहे हैं नाश्ता, फिर निकलेंगे अमरकंटक के लिए, और इधर सारे मंडल इकट्ठा हो गया है, ये सरसों भैया बैठे हैं नाश्ता चाय वगैरह हो गया, बस गाड़ी में बैठना है और फिर निकलते हैं अमरकंटक की ओर, तो 10-15 मिनट के बाद सभी लोग अपने अपनी जगह पर बैठ कर गाड़ी से निकलेंगे, तो इधर सब लोग बैठे हैं चाय नाश्ता कर चलने का इंतज़ार, और कोई जो नहीं बैठ पा रहा है उनका इंतज़ार कर रहे हैं। चलो हम तो बस में बैठ रहे हैं फिलहाल, तो आ गए हैं बस में और अभी सो रहा है इधर हेल्पर साहब, तो नाश्ता वगैरह करने के बाद बैठ चुके हैं बस में और फिर आगे का सफ़र शुरू होता है। यहाँ से खरीद रहा है शाम के लिए सब्जी और शाम को बनेगा भोजन, अमरकंटक पहुँच गए अभी हम लोग पहुँचे हैं, 3:25 हुआ है अभी, काफ़ी और दूर है। संतोष भाई दो नींबू और लाना ताजे, तो ये नींबू भी ले लिए हैं। देखो हमने शाम के लिए यहाँ से सब्जी ली है और वहाँ पर देखो इतनी बड़ी चौली फली है, ये देखिए आप करीबन 3 फीट की, और अपने उधर जो चौली मिलती है वो तो बच्चे ही बेचते हैं, देखिए आप कितनी बड़ी चौली है। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं, कल हम लोग रात में निकले थे करीबन 8 बजे के करीब अमरकंटक के लिए, लेकिन अभी पहुंचे हैं करीबन 4:45 हो रहा है, और इस समय पहुंचे हैं शहडोल, और पूरी रात और आज का पूरा दिन भी हो चुका है, चुनाव चल रहा है और यहाँ चल रहा है चुनाव प्रचार पार्षद पद का, तो ये हमारी क्या नाम बताओ, रूबी का नागर, ये इसका रूबी का नागर है नाम, और ये भी सफर कर रही है तो काफी मस्त होकर बताओ, एबीसीडी में कितने शब्द होते हैं, इतने चलो अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, और मुख्यमंत्री का नाम, अरे भगवान चौहान ने शिवराज सिंह चौहान, मामा। तो दोस्तों आप देखते हैं अमरकंटक कब तक पहुंचते, फिर पहुंच के ही आपको दिखाएंगे और कल घुमाएंगे अमरकंटक आपको, दिन भर घूमेंगे वहाँ पर, फिर निकलेंगे घर के लिए, तो सही है ना। निकल चुके हैं शहडोल से हम आगे की ओर, करीबन यहाँ से 100 किलोमीटर बचा है अमरकंटक, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अमरकंटक, ये रूबी पिरामिड है पाला।
गाड़ी चलाया जा रहा है 24 आवर से लगातार गाड़ी चलाया जा रहा है। इन्हें एक संकल्प लिया हुआ है कि बिहार से सीधा एमपी अमरगंज तक हो गया। काफी अच्छी हैबिट इनकी। और ये हमारे इधर चचा जी बैठे हैं, रात भर खूब सोए हैं, सोच रहे थे अमरकंटक पहुँच जाएंगे। चचा कैसा लग रहा है आपको एक नंबर यात्रा में? मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो रात को कैसा लगा कि सुबह अमरकंटक पहुँच जाएंगे? ऐसा तो लग रहा तो था मगर नहीं पहुँच पा रहे। पहुँच पाए, चलो ठीक है, कल देखेंगे अमरकंटक। इधर महाराज जी मोबाइल में टाइम पास अमरकंटक के इंतजार में। ये देखिए आप शाहरुख खान को सुन रहे हैं ये। तो चलिए दोस्तों पहुँच के फिर दिखाते हैं वहाँ का क्या है सीन अमरकंटक का। तो आप पहुँचने के बाद ही देखेंगे क्या सीन है अमरकंटक का। पहली बार जा रहे हैं हम? बिल्कुल। आप भी पहली बार जा रहा है? बार जा रहा है। भाई साहब भी पहली बार जा रहा है। और आप लोग? पहली बार। तो फिर कल दिन भर घूमना है कि घर को निकलोगे? नर्मदा जी में कल दिन भर घूमेंगे। बढ़िया। अच्छा, उसके बाद परसों निकलेंगे।